नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम परफेक्टली इलियट वेव काउंटिंग कर सकते हैं और किस तरह से रीजनिंग होता है इलियट वेव काउंट का। आज के वीडियो में हम देखेंगे, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। सॉरी, ओवर एक्टिंग। दोस्तों शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो के हमारे निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। वहां पे हमने देखा था कि यहाँ पे वेव सी का जो प्रोजेक्शन है वो 100% आ रहा था 10059 और 123% आ रहा था 10044 पे। यहाँ पे हमने एडवाइस दी थी कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के निफ्टी को बाय कर सकते हैं। 10044 से लेके 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हैं और निफ्टी को बाय कर सकते हैं। हमने ये भी बोला था कि यहाँ से जो है बहुत तेजी के साथ यहाँ पे 10103 पर निफ्टी आ सकता है। लास्ट वीडियो हमारा 12 मिनट का था, तो वो वीडियो आपने शायद देखा हो ना देखा हो, ठीक से सुना हो ना सुना हो, इसलिए मैं आज ये बात रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो है वो हमारा प्रिडिक्शन था कि यहाँ पे निफ्टी आके जो वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड जोन में आ सकता है, इसलिए वहाँ से तेजी से यहाँ तक जो है निफ्टी का मूवमेंट आ सकता है। और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। ये उसके बाद का दिन का आज का जो लेटेस्ट चार्ट है वो उसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एग्जैक्टली 10044 का यहाँ पे निफ्टी का लो रहा और वहाँ से तेजी से निफ्टी 10103 की तरफ भी बढ़ा। तो क्या ये ए बी सी पूरा हो गया और यहाँ से एक इम्पल्स स्टार्ट हो गया? आज का वेव काउंट भी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेव 1, वेव 2 और वेव 3। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। ओके चलो, मैं वेव पकड़ने में, काउंटिंग करने में कामयाब हो गया। यहाँ पे मैंने ए बी सी वेव काउंट को जो है पूरी तरह से पकड़ लिया। वेव सी जो है 123% एग्जैक्टली रिट्रेस हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लाइंडली जो है यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहाँ पे जो है वो वेव 4 जो है वो 38% से ज़्यादा रिट्रेस हो रहा है और ये जो वेव का जो फॉर्मेशन दिख रहा है वो करेक्टिव टाइप का भी नहीं दिख रहा, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है फाइनल स्टॉप लॉस वेव 4 का क्या हो सकता है? तो कि ये वेव 1 को टच नहीं कर सकता, वो आ रहा है 10065 पे। अगर टच कर दिया तो क्या होता है, मैं पैनिक में आ जाता हूँ और ये अपने वेव काउंट को दोबारा से रिव्यू करता हूँ। रिव्यू करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि चलिए दोस्तों, ये यहाँ से जो है वो ए बी सी पूरा हो गया, तो ये बड़ा सा एक वेव ए हो गया और यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूजन दिख रहा था जो मैंने पहले इग्नोर किया था, अब मैं उसे वापस देखूंगा। यहाँ पे जो वेव काउंट का जो लो है वो आ रहा है 44.95 और यहाँ पे उससे नीचे, मतलब कि ये इरेग्युलर करेक्शन हो सकता है वेव भी। तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ वेव काउंट वो वेव ए, वेव बी और वेव सी, ये पूरा वेव ए, वेव बी और ये देश के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वेव सी के जो काउंटिंग है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वेव 1 2 3 4, और ये जो वेव 5 है वो यहाँ पे फिर से आपको एक्सटेंडेड दिखा हुआ नजर आएगा। तो वे एक्सटेंडेड वेव 5 है जो उतनी ही तेजी से रिट्रेस होता है, हमने आज ही देखा, आज के वीडियो में ही देखा। तो ये दिख भी रहा है कि तेजी से रिट्रेस होता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये बड़ा वेव सी अब शुरू हो गया है और ये जाएगा इसके नीचे, जो इसके हिसाब से ये बड़ा जो वेव ए बना है उसके हिसाब से जो प्रोजेक्शन हम वेव सी के देखेंगे तो 100% आ रहा है 10028 पे और 123% आ रहा है 10008 पे। तो ये बड़ा ए बी सी पूरा यहाँ पे हो सकता है, तो ए बी सी मतलब कि करेक्टिव वेव, तो यहाँ से एक नया इम्पल्स स्टार्ट होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। लेकिन रुकिए रुकिए दोस्तों, लास्ट के जो हमने वीडियो के चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बोला था कि ये जो पूरा जो वेव स्टार्ट हुआ है वहां से 10131 से अगर हम देखें तो 38% आ रहा है 10048 पर। तो उसी के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस रखा था 10042 का। तो वो तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ये पॉसिबिलिटीज है तो ये तो ये रेंज आ रही है 10028 से लेके 10008 की, तो इसका क्या होगा? ये तो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो चुका है उसके हिसाब से देखे तो। इसको हम कैसे करेक्टिव वेव मान ले, ये एबीसी वेव करेक्टिव हम कैसे मान ले? तो यहाँ पे हमें फिर से उस वेव काउंट को रिव्यू करना होगा। चलिए दोस्तों रिव्यू करते हैं, इस वेव काउंट को हम दोबारा देखते हैं। तो दोबारा देखने के बाद ध्यान में आता कि यहाँ पे वेव 1 खत्म हो सकता है और ये जो पूरा वेव है वेव ए और ये करेक्टिव वेव ए बी सी, वेव बी
इरेगुलर करेक्शन, बड़ा सा इरेगुलर करेक्शन, और यहां से दोस्तों वेव सी, तो ये वेव वन और ये बड़ा इरेगुलर करेक्शन वाला वेव टू, और यहां से दोस्तों वेव थ्री की शुरुआत हो सकती है। वेव थ्री की जो जनरल रेंज होती है वो 100% से लेके 161% तक होती है, तो वो आता है 10047 से लेके 10006 तक। तो ये जो है वो इम्पल्सिव वेव हो सकता है, लेकिन अगर ये वेव इम्पल्सिव है तो हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारे कई दिनों से ये जो है वेव काउंट हम समझ नहीं पा रहे थे, मान रहे थे कि ये निफ्टी ऊपर जा रहा है, शायद रिपीटेटिव 1212 हो सकते हैं, लेकिन निफ्टी को यहाँ पे देर क्यों लग रही है ऊपर जाने में। तो अगर ये इम्पल्सिव वेव है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है 10131 से, तो मतलब कि ये जो पूरा वेव है जो स्टार्ट हुआ है 9686 से वो करेक्टिव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया, अब मैं वन साइडेड सोचता हूँ कि ये अगर करेक्टिव वेव है तो वेव काउंट को मैं दोबारा रिव्यू करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो हमको दिखाई दे रहे थे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहे थे वो वेव काउंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं, उसको रख के हम दोबारा इस वेव काउंट को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेव ए जो है हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है 9940 से, उसको हम दोबारा रिव्यू करते हैं, तो वेव 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे पूरा होता दिख रहा है, मतलब कि ये एक इम्पल्सिव वेव नज़र आ रहा है, उसको मान लेते हैं हम ये ए वेव, और यहाँ से जो है एबीसी करेक्टिव वेव जो हमें दिख रहा है उसे मान लेते हैं हम वेव बी। और फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काउंट दिए हुए हैं पिछले वीडियो में, उस वो हमें इम्पल्सिव लग रहा था, वो हो गया हमारा वेव सी। तो यहाँ वेव ए खत्म, उसके बाद यहाँ पे ए बी सी ये करेक्टिव वेव, तो वो हो जाएगा हमारा बड़ा सा वेव बी। और यहाँ से दोस्तों मैंने वेव काउंट दिया था 1, मतलब कि एक इम्पल्सिव वेव, तो ये जो है इम्पल्सिव वेव उसे हम मान लेते हैं बड़ा सी। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा सा ए बी सी वेव कंप्लीट होता हुआ हमें दिख रहा है, उसके बाद हमने वेव काउंट दिया था यहाँ पे 2, मतलब कि करेक्टिव वेव, मतलब कि ए बी सी, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाता है एक्स वेव। अभी देखिए दोस्तों, ये काउंट भी मैंने ऑलरेडी दिए हुए थे लास्ट वीडियो में हमारे, कि ये मुझे ए बी सी दिख रहा है, ये भी ए बी सी दिख रहा है, तो ये ए बी हो सकता है। तो चलिए उसको वहीं पे रहने देते हैं, ये वेव ए, वेव बी, और ये हो जाता है वेव सी। तो कुल मिला के अगर हम पूरे इस चार्ट को देखें तो ये ए बी सी एक्स ए बी सी, तो ये हो सकता है एक डबल जिगजैग करेक्शन। क्या ये सही है? मैं इसको पकड़ने में कामयाब रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी हम अगले जो भी मूवमेंट रहेंगे निफ्टी को, उसको देखने के बाद दोबारा रिव्यू करेंगे। मैं हर बार इस तरह से मेरे सभी वीडियो को बनाने से पहले इस सभी पॉसिबिलिटी को देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, और जो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसी को मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ, सभी रिव्यू को मैं आपको नहीं दिखाता। ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि आप समझ पाए कि वेव काउंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्टली कैसे कर सकते हैं और कैसे हम ये सीख सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए है। तो ये इस वीडियो को आपने अगर पसंद किया है तो लाइक कीजिए, और अगर आप बोर हो गए हैं तो डिसलाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा वहाँ पे हमारा जो लोगो है चैनल का लोगो, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।